हेलो बच्चों, हाउ आर ऑल ऑफ यू? ओके, सो टुडे बेटा वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? सी दिस, क्या है क्वेश्चन 5? सो क्वेश्चन 5 इज बेटा, ओके क्वेश्चन 5, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स जो है बेटा, इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। ओके, तो आंसर में बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स हमें देखनी है। तो फिगर तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है बेटा, फिगर तो ऑलरेडी बताई है जो लगातार पिछले बेटा सभी वीडियोस में आई है, वही स्टेशनरी वेव की फिगर बार बार मैं बता रहा हूँ। तो फिर से लगे तो बरोबर ध्यान दो कि हमारे पास बेटा ये एक वेव है, ओके, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली ये वेव देखो आपको मालूम है, ओके यस हाँ। और दूसरी जो है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये भी आपको मालूम है, ओके यस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, क्या बताया ये बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है, तो ये एंटी नोड, ये वाला बेटा एंटी नोड, ये वाला बेटा एंटी नोड, ये वाला पॉइंट बेटा एंटी नोड, ये वाला पॉइंट एंटी नोड, ओके ये एंटी नोड वाले पॉइंट्स, ओके। और नोड वाले कौन से होते हैं बेटा, नोड वाले बताओ। तो आप बोलेंगे सर नोड वाले पॉइंट्स ये है, दिस, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये नोड वाले पॉइंट्स है, ओके। सो फिर वेरी सिंपल बेटा, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये देखिए कि भाई स्टेशनरी वेव कैसे तैयार होती है, ओके। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक बरोबर ध्यान दो, स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म, स्टेशनरी वेव्स तैयार होती है ड्यू टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी क्रॉसिंग बेटा, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। ये दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो मैंने बताई, एक इधर से जाने वाली और दूसरी उधर से आने वाली, हाँ ओके, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पे ट्रैवल होती है। हाँ बेटा ये देखो एक ही लाइन पे ट्रैवल हो रही है, दिस, इधर से जाने वाली और उधर से आने वाली भी एक ही लाइन पे ट्रैवल होती है, इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, एक इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली और दूसरी उधर से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आने वाली। तो ये हुआ बेटा उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है फिर पहला कैरेक्टरिस्टिक बताओ, स्टेशनरी वेव्स आर फॉर, स्टेशनरी वेव तैयार होती है ड्यू टू इंटरफेरेंस क्रॉसिंग के कारण ऑफ टू आइडेंटिकल यानी समान सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे ट्रैवल होने वाली लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया बेटा, ओके। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो दूसरा पॉइंट बताओ, तो सेकंड पॉइंट, स्टेशनरी वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम, स्टेशनरी वेव्स ये उस मीडियम से ट्रैवल नहीं होती, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप बोलेंगे सर स्टेशनरी वेव्स प्रोपोगेट नहीं होती, नहीं बहती, मतलब क्या उस मीडियम से? जैसे मैं वापस आपको फिगर पे लेके आ रहा हूँ, ये बेटा आप फिगर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर के लिए जो है, थोड़ी देर के लिए ये जो वेव जा रही है इसको साड़ी समझो बेटा, साड़ी है ना, इधर एक लेडी है और इधर दूसरी लेडी है, ये लेडी पहली वेव ये तैयार कर रही है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी प्रोग्रेसिव वेव ये आ रही है इस लेडी, ये लेडी यहाँ पे पार्टिकल को वाइब्रेट करने के कारण, यस। तो ये प्रोग्रेसिव वेव तो सामने सामने बढ़ रही है, ये वाली प्रोग्रेसिव वेव भी सामने सामने बढ़ रही है, लेकिन जो हमें टोटल वेव जो मिली बेटा, ये जो टोटल वेव मिली है, ये जो टोटल वेव मिली है ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी वेव ना तो सामने बढ़ेगी, ओके, ना तो ये पीछे जाएगी, तो इसलिए ये जो वेव हमारे पास तैयार हुई है, ये जो वेव हमारे पास तैयार हुई है स्टेशनरी वेव, ये इतने ही पार्ट पे बनी रहती है, ना ये सामने बहती है ना ये पीछे, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए स्टेशनरी, इसीलिए तो इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं बेटा, ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहती है ना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, कौन, ये स्टेशनरी वेव, पूरी वेव है, टोटल वेव,
ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए इसको स्टेशनरी वेव बोला जाता है। और ये ट्रैवल नहीं हो रही है ना फॉरवर्ड दिशा में ना बैकवर्ड दिशा में, इसीलिए ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती, ये वेव एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती है, क्योंकि दो प्रोग्रेसिव वेव इधर से जाने वाली और उधर से आने वाली, इससे एक बार ये स्टेशनरी वेव तैयार हुई कि ये उतने पार्ट पे तैयार होती है, उतने ही पार्ट पे तैयार होती है, ना इधर सामने बढ़ती है ना इधर पीछे आती है, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इस वेव को बोला जाता है स्टेशनरी वेव। और ये जो स्टेशनरी वेव है बेटा, ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती, ये सिर्फ ये जो वेव देख रहे हैं आप, ये इधर गई पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरी वाली बेटा ये निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो प्रोग्रेसिव ड्रॉ की है ये तो ट्रैवल हो रही है, लेकिन ये जो बेटा हमें जो फिर ये जो वेव मिली पूरी स्टेशनरी वेव मिली, ये ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये ट्रैवल ही नहीं होती, इसलिए वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो ये बेटा अभी हमारा दूसरा पॉइंट देखो, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि स्टेशनरी वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट, स्टेशनरी वेव्स नहीं बहती थ्रू द मीडियम, या मीडियम यानी अभी वो साड़ी बेटा, वो मीडियम से नहीं बहती, सो देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इसलिए वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती ना इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो मैंने अभी आपको फिगर में बताया, फिर से लगे तो मैं आपको फिगर में लेके आता हूँ। ये देखो ना इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में, यस। तो सामने का बेटा अभी तीसरा पॉइंट बरोबर ध्यान दो, थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक्सेप्ट नोट्स परफॉर्म SHM, नोट्स को छोड़ के, किसको छोड़ के बेटा, नोट्स को छोड़ के बाकी सभी पार्टिकल्स जो है वो SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। अब बोलेंगे सर कैसे, तो मैं वापस आपको फिगर पे लेके आ रहा हूँ, ये देखो वापस फिगर पे, तो यहाँ पे देखो ये नोट्स वाले पॉइंट्स जो बेटा दिस, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये वाइब्रेट नहीं होते, बाकी सभी पॉइंट्स, ये वाला देखो ये वाइब्रेट होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट हुआ कि नहीं, हाँ ओके हाँ, उससे फिर ये वाला ये भी वाइब्रेट होता है यहाँ पे लेकिन इसके एम्पलीट्यूड कम, ये भी वाइब्रेट होता है लेकिन इसके एम्पलीट्यूड सबसे कम, और ये देखो बेटा ये जो है नोड वाला ये बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होता, इसके एम्पलीट्यूड जीरो, फिर ये वाला जो है ये भी वाइब्रेट हो रहा है, इसके एम्पलीट्यूड थोड़ी ज़्यादा, फिर ये भी वाइब्रेट होता है, इसके एम्पलीट्यूड और ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा ये एंटी नोड बेटा, ये वाला ये भी वाइब्रेट होता है, ये भी वाइब्रेट होता है, ये नोड वाला बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होता, ये भी वाइब्रेट होता है, ये भी वाइब्रेट होता है, और ये एंटी नोड वाला सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है। तो कौन से पॉइंट्स बेटा वाइब्रेट नहीं होते, नोट्स वाले ये जो पॉइंट्स है बेटा ये वाइब्रेट नहीं होते। तो वही हम देख रहे हैं कि सभी पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं, बताओ फिर, सभी पार्टिकल SHM परफॉर्म करते हैं, सभी पार्टिकल SHM परफॉर्म करते, सिर्फ नोट्स वाले पार्टिकल ये वाइब्रेट न होने के कारण वो SHM परफॉर्म नहीं करते। तो ये बेटा थर्ड पॉइंट कौन सा था बताओ, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक्सेप्ट नोट्स परफॉर्म SHM, यानी सभी पार्टिकल SHM परफॉर्म करते, सिर्फ नोट्स जो है वो SHM परफॉर्म नहीं करते। इसके बाद बेटा सामने वाला जो पॉइंट्स है वो बरोबर ध्यान दो, तो सामने वाला जो पॉइंट्स है बेटा पॉइंट नंबर 4 कि द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज नॉट सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, हाँ सभी पार्टिकल्स के लिए एम्पलीट्यूड समान नहीं रहती। अभी तो मैंने बताया बेटा फिगर पे, अभी तो बताया मैंने फिगर पे कि ये जो एंटी नोड वाला पॉइंट है बेटा, इसके एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होती है, इसके एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होती है, किसकी, एंटी नोड्स वाले पॉइंट की, इसकी कम, नोड्स वाले की सबसे कम, फिर इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, और एंटी नोड वाले की सबसे ज़्यादा, तो सबकी एम्पलीट्यूड जो है बेटा वाइब्रेशन की समान नहीं रहती, एंटी नोड्स वाले की एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहती है, नोट्स वाले की सबसे कम रहती है। तो आइए फिर फिगर में क्या है बताओ फिर, तो
आप बोलेंगे सर कि एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम इज नॉट सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। ओके, फिर सामने का पॉइंट जो है फिफ्थ वो वाला देखिए, क्या है फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट है कि द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड जीरो आर कॉल्ड नोड्स। हाँ, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो रहती है, मैंने बताया उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, नोड्स। और पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया, और मतलब ये डेफिनेशन बताई, द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज जीरो आर कॉल्ड नोड्स। वो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो रहती है उनको नोड्स बोला जाता है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाय टू, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय टू। वापस लगे तो मैं फिगर पे आपको लेके आता हूँ। ये देखो फिगर कि ये पॉइंट्स बेटा दिस 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 दिस, यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं ये नोड्स है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस किसके बीच का बेटा, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है दिस एंड दिस। ये दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होता है बेटा, ये डिस्टेंस लैम्ब्डा बाय टू होता है। ये और ये नोड के बीच का डिस्टेंस, ये भी बेटा लैम्ब्डा बाय टू होता है। ये और इसके बीच का डिस्टेंस, ये भी बेटा डिस्टेंस जो है वो लैम्ब्डा बाय टू होता है। ओके, तो वापस मैं आपको पॉइंट पे लेके आता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो ये पॉइंट्स बेटा फिफ्थ नंबर का, क्या फिर से बताओ ये पॉइंट कि द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज जीरो आर कॉल्ड नोड्स, और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्ब्डा बाय टू। सामने का बेटा छठवां पॉइंट बताता वो ध्यान दो, एंटी नोड्स के लिए क्या है वो पॉइंट्स बताओ। ये है बेटा छठवां पॉइंट्स, द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटी नोड्स। जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है उनको एंटी नोड्स बोला जाता है। और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज, सक्सेसिव यानी लगातार आने वाले जो दो एंटी नोड्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ये भी लैम्ब्डा बाय टू होता है। वापस मैं आपको फिगर पे लेके आता हूँ। ये देखो बेटा फिगर, ये देखो फिगर क्या है फिर से बताओ कि ये पहला जो पॉइंट है ये एंटी नोड और ये वाला बेटा एंटी नोड। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है उनको बोला जाता है एंटी नोड। तो ये वाला एंटी नोड, ये वाला एंटी नोड, ये वाला एंटी नोड, ये वाला एंटी नोड, और दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है ये डिस्टेंस भी बेटा लैम्ब्डा बाय टू होता है। कितना होता है, लैम्ब्डा बाय टू। तो आइए उस पॉइंट पे मैं आपको लेके आता हूँ। फिर से बताओ क्या है फिर सिक्स पॉइंट कि द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटी नोड्स, और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड, सक्सेसिव यानी लगातार आने वाले एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस, ये लैम्ब्डा बाय टू होता है। अच्छा, सामने का पॉइंट फिर बेटा, सामने का पॉइंट देखेंगे सेवन, नोड्स एंड एंटी नोड्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ लैम्ब्डा बाय फोर फ्रॉम ईच अदर। यस, नोड्स और उसके बाद आने वाला एंटी नोड्स, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा लैम्ब्डा बाय फोर होता है। बिल्कुल, मैं फिगर के ऊपर आपको लेके आता हूँ। फिर से ये ध्यान दो, तो ये ध्यान दो बेटा फिगर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये बेटा एंटी नोड है ना, और ये नोड। तो इन नोड और एंटी नोड के बीच का बेटा ये जो डिस्टेंस रहेगा ये रहता है बेटा लैम्ब्डा बाय फोर। क्या होता है, लैम्ब्डा बाय फोर, बरोबर ना बेटा। कैसे, क्योंकि दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्ब्डा बाय टू। अरे तो लैम्ब्डा बाय टू का आधा ये नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस ये रहता है लैम्ब्डा बाय फोर। यस, तो नोड और एंटी नोड के बीच का बेटा जो डिस्टेंस होता है वो लैम्ब्डा बाय फोर होता है। तो ये सामने का पॉइंट्स बेटा सेवन्थ हो गया कि नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्ब्डा बाय फोर होता है। सामने का पॉइंट बेटा एट बताता हूँ कि स्टेशनरी वेव्स आर पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस यानी बेटा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस वाइज और टाइम वाइज ये स्टेशनरी वेव्स पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक यानी लयबद्ध होती है डिस्टेंस वाइज और टाइम वाइज। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं फिर से फिगर पे लेके आता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो ये जो स्टेशनरी वेव आप देख रहे हैं बेटा, ये जो स्टेशनरी वेव देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि देखो डिस्टेंस वाइज कैसे तैयार हुए, डिस्टेंस वाइज कैसे तैयार हो,
हुए, तो ये बरोबर ध्यान दो बेटा, ये बरोबर ध्यान दो। देखो बेटा ये पहला ये हो गया एंटी नोड तैयार, फिर लैम्डा बाई टू डिस्टेंस के बाद फिर से एंटी नोड तैयार हुआ, तो पहले और दूसरे एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाई टू, दूसरे और तीसरे एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी बेटा लैम्डा बाई टू, तीसरे और चौथे एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, चौथे और पाँचवें के बीच का डिस्टेंस भी बेटा, चौथे और पाँचवें के बीच का डिस्टेंस भी बेटा ये भी लैम्डा बाई टू। तो देखो बोले डिस्टेंस वाइज एंटी नोड्स कैसे तैयार हुए, समानता समानांतर पे तैयार हुए। ओके, और नोड्स भी बेटा ये पहला एंटी नोड, ये पहला नोड, ओके, और ये बेटा दूसरा नोड, ये देखो इनके भी बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू है, तो पहला नोड और दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, दूसरे और तीसरे के बीच का भी डिस्टेंस लैम्डा बाई टू। ओके हाँ, तो पहले और दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, दूसरे और तीसरे नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, तीसरे और चौथे नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू। तो ये कैसे डिस्टेंस है समान, यानी डिस्टेंस वाइज कैसे अंतर पे है, ये समान अंतर पे तैयार होते जा रहे हैं नोड्स और एंटी नोड्स, इसलिए स्पेस वाइज यानी डिस्टेंस वाइज ये पीरियोडिक है यानी लयबद्ध है। टाइम वाइज भी बेटा ये लयबद्ध है, टाइम वाइज कैसे, देखो देखो पहला और दूसरा एंटी नोड जो है, कौन सा बेटा पहला और दूसरा जो एंटी नोड है, इसके लिए जितना समय लगता है पहले के बाद दूसरा तैयार हो, एंटी नोड तैयार होने के लिए जितना समय लगता है उतना ही दूसरे के बाद तीसरा तैयार होने के लिए लगता है उतना ही समय, तीसरे के बाद चौथा तैयार होने के लिए उतना ही डिस्टेंस, चौथे के बाद पाँचवा तैयार होने के लिए उतना ही समय लगता है बेटा। इसी प्रकार से पहला नोड, पहले नोड के बाद दूसरा नोड तैयार होने के लिए जितना डिस्टेंस लगा उतना ही दूसरे नोड के बाद तीसरा नोड तैयार होने के लिए उतना ही समय, तीसरे के बाद चौथा नोड तैयार होने के लिए उतना ही समय लगता है, यानी टाइम वाइज भी वो कैसे है पीरियोडिक है यानी लयबद्ध है। तो डिस्टेंस वाइज और टाइम वाइज दोनों इसमें वो कैसे है लयबद्ध तरीके से तैयार होते हैं। यस, तो ये बेटा पॉइंट हो गया, कौन सा 8th पॉइंट तैयार हो गया बेटा। ओके, और सामने का बेटा 9th पॉइंट जो है वो बरोबर ध्यान दो कि लूप्स आर फॉर्म बिटवीन एवरी टू सक्सेसिव नोड्स, दो नोड्स के बीच में बेटा लूप तैयार होती है। तो मैं लूप के बारे में बार बार आपको बता रहा हूँ, फिर से ध्यान दो, मैं फिगर पे आपको लेके आता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो देख रहे हैं फिगर देखो, ये देखो दो नोड्स के बीच में लूप तैयार होती है बेटा, बरोबर ध्यान दो, दो नोड्स के बीच में लूप तैयार होती है कैसे, ये बरोबर समझ लो कैसे तैयार होती है। तो ये देखो बेटा, ये है बेटा नोड, देखा ना ये, और ये नोड है ना, तो ये दो नोड के बीच में बेटा ये जो तैयार हुआ इसको बोला जाता है बेटा लूप। तो ये जो तैयार हुई ये है लूप, तो दो लगातार आने वाले नोड्स के बीच में क्या तैयार होती बेटा लूप। अच्छा, पहले और दूसरे नोड और दूसरे और तीसरे के बीच में भी देख लो, ये देखो लूप तैयार हुई। ओके, तीसरे और चौथे के बीच में भी देखो, तीसरे और चौथे के बीच में भी देखो, तो यहाँ भी बेटा आप देखेंगे कि ये लूप तैयार हुई, ये लूप तैयार हुई, बरोबर ध्यान दो। हाँ, किसके बीच में बेटा, तीसरे और चौथे के बीच में भी बेटा क्या तैयार हुई देख लीजिए, ये लूप तैयार हुई, ये लूप तैयार हुई बेटा तीसरे और चौथे के बीच में। यस, तो हाँ, तो क्या हुआ फिर आप बताइए, फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट है कौन सा, नौवा 9th पॉइंट क्या है फिर, तो ये पॉइंट है बेटा कि लूप्स आर फॉर्म बिटवीन एवरी टू सक्सेसिव नोड्स, और ये पॉइंट बेटा 10th वाला पॉइंट क्या है, 10th वाला पॉइंट है बेटा कि द लेंथ ऑफ ईच लूप इज लैम्डा बाई टू, है ना, क्योंकि लूप की जो लेंथ है मतलब दो नोड के बीच का डिस्टेंस मैंने पहले ही बताया, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, और दो नोड के बीच में लूप तैयार होती है, तो लूप की लेंथ कितनी रहेगी लैम्डा बाई टू। मैं वापस फिगर के ऊपर आपको लेके आता हूँ, देखो बरा, तो ये फिगर आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं बरोबर ध्यान दीजिए कि ये नोड और ये नोड है ना, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होता है, अरे दो नोड के बीच का डिस्टेंस यानी ही ये जो लूप बनी इसका डिस्टेंस कितना लैम्डा बाई टू, ये भी लूप का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, ये भी लूप का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू।
तो एक लूप की लेंथ कितनी होती है लैम्डा बाय टू, हर लूप की लेंथ कितनी होती है लैम्डा बाय टू। तो ये बेटा क्या हुआ है बेटा, पूरे 10 पॉइंट्स हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक के। कितने पॉइंट? 10 पॉइंट्स बताए बेटा। सुनो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये बरोबर ध्यान दो कि ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था कि कंडीशंस कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अगर 3 मार्क्स के लिए है तो कोई भी 6 लिखनी होती है, लेकिन मैंने तो आपको 10 बताई है, 10 बताई है। अगर देखो 2 मार्क्स के लिए है तो 4 पॉइंट्स बताने हैं, 3 मार्क्स के लिए है तो 6 पॉइंट्स बताने हैं, लेकिन मैंने आपके रेफरेंस के लिए 10 पॉइंट्स बताए कैरेक्टरिस्टिक के। उसके कैरेक्टरिस्टिक कितने बताए बेटा? मैंने 10 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। यस, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो 10 बताए हैं, लेकिन 3 मार्क्स के लिए कोई भी 6 लिखने। ओके बेटा, ओके, ये वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, सामने के वीडियो में सामने का क्वेश्चन देखेंगे। ओके बेटा।